सर पे सजा के रखा है। ऐसे इंसान मुसलमान मोमिन के लिए मैं अल्लाह की खुसूसी नेमत है। या अल्लाह, उस तस्दीक़े मोहम्मद का अंदाजा कैसे होगा? यह इम्तियाज उस मुसलमान या मोमिन को नसीब हो चुका है, इसका पता हमें कैसे चलेगा? अल्लाह फरमाती है, इसके लिए मैंने कुरान मुकद्दस को एक कसवटी बना के तुम्हें दिया है। कुरान मुकद्दस को मैं अल्लाह ने एक मायार बना के तुम्हें दिया है। इस कुरान की कसवटी के अंदर खड़े होकर इस मायार के ऊपर पूरे उतरते हुए अगर तुम अपनी जिंदगी को गुजारोगे, तुम्हें तस्दीक मोहम्मद भी नसीब हो जाएगी, वो सेहरा भी नसीब हो जाएगा।
फिर मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हारे ऊपर वो खुसूसी इनाम होगा और वो खुसूसी इनाम के बगैर तस्दीक के मोहम्मद के मेरे पैगंबर की तस्दीक के बगैर किसी को हासिल नहीं हो सकता। अल्लाह वो कैसे कैसे अल्लाह फरमाती है तेरे ईमान से मुशरिक ना उम्मीद हो जाए, तेरे अकीदे से मुशरिक ना उम्मीद हो जाए, तेरे हर एक अमल से मुशरिक ना उम्मीद हो जाए, क्योंकि मुशरिक पैरों से उम्मीद लगाता है और मोमिन अल्लाह से उम्मीद लगाता है। लिहाजा जब अल्लाह से उम्मीद मोमिन मुसलमान लगाएगा तो मुशरिक ना उम्मीद होगी। और अल्लाह फरमाते हैं जब मसला हक का आ जाए मेरे पैगंबर की तस्दीक की जाए उस वक्त तक काफिर जो होता है वो मेरे मोहम्मद की तस्दीक करने से ना उम्मीद होता है, मोमिन का साथ नहीं देता, मोमिन से बिछड़ता अलग हो जाता है। तो ही ये अल्लाह की दाता तो ही ये अल्लाह का हक और तस्दीक मोहम्मद का हक। अल्लाह फरमाते हैं मेरी तौहीद को भी बजाना, मेरे मोहम्मद की तस्दीक को भी बजाना। अगर अल्लाह की तौहीद और मोहम्मद की तस्दीक को तूने बजा लाया, अगर इस पे तेरा अमल मुकम्मल हो गया, फिर मुशरिक तेरी संगत में नहीं रह सकता, फिर काफिर तेरी सोबत में नहीं रह सकता, फिर वो तेरे साथ रिश्तेदारी भी नहीं करने के लिए तैयार, तेरे साथ दोस्ती करने के लिए भी नहीं। अगर वो तेरे साथ दोस्ती के ढेरे डोरे डालता है, अगर वो तेरे साथ दोस्ती लंबी करना चाहता है, तो फिर समझ ले कि तूने तस्दीक मोहम्मद का हक कभी अदा नहीं किया। क्यों? क्यों? जब तस्दीक मोहम्मद का हक अदा होगा फिर मुशरिक तेरी संगत में नहीं रहेगा, फिर मुशरिक तेरी मोहम्मत में नहीं रहेगा, फिर मुशरिक तेरे पास नहीं रहेगा, मुशरिक और काफिर तुझसे नफरत करेगा, तुझसे फूट के रहेगा। अगर तूने तस्दीक मोहम्मद की है, अगर तस्दीक मोहम्मद ना की तो फिर तेरी संगत में मुशरिक भी रहता है, काफिर भी रहता है। लिहाजा ये वो खुसूसी इख्तियार है मोमिन का। वैसे तो दावा करता है हर बंदा मैं मोमिन हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं मुवाहिद हूं, मैं सुन्नत का पैरोकार हूं, मेरे पास हिम्मत है, मेरे पास तौहीद है। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं तौहीद और सुन्नत का पता तब चलेगा जब मेरे मोहम्मद की तस्दीक करेगी, क्योंकि मुशरिक कभी मोहम्मद की तस्दीक नहीं करता, काफिर कभी मोहम्मद की तस्दीक कभी मोहम्मद की तस्दीक नहीं करता है। जो मोहम्मद की तस्दीक करने वाला होता है वो मोमिन होता है, मुसलमान होता है। अगर उसके पास मोहम्मद की तस्दीक मौजूद है तो फिर जो मोहम्मद की तस्दीक हो मुशरिक उसे पसंद भी नहीं करता, काफिर उसे पसंद भी नहीं करता, बिदती उसे पसंद भी नहीं करता, बिदती किसे पसंद करता है मालूम हुआ वो मोहम्मद का मुसद्दिक नहीं बना है, मुशरिक किसे पसंद करता है वो मोहम्मद की तस्दीक करने वाला नहीं बना है, काफिर जिसे पसंद करता है वो मोहम्मद की तस्दीक करने वाला नहीं बना है। जो मोहम्मद की तस्दीक करेगा ना मुशरिक उसे पसंद करेगा, ना काफिर पसंद करेगा, ना बिल्कुल पसंद। और ये लोग कहते हैं जी वो फलाह मौलवी साहब ठीक है जी, बरेलवी भी कहती है वो ठीक है, देवबंदी भी कहती है वो ठीक है, अयाती भी कहती है ठीक है, बमाती भी कहती है ठीक है, अहले हदीस मुकल्लद गैर मुकल्लद सब का इत्तेफाक है मौलवी पर ये मौलवी ठीक है। अल्लाह फरमाते हैं बड़ा बेईमान ये है जिसे कोई भी गलत नहीं कहता, सब ठीक कहते हैं, मालूम ये हुआ इसने मेरे मोहम्मद की तस्दीक नहीं की। वरना मोहम्मद की तस्दीक होगी हो और जब तस्दीक मोहम्मद का पहलू पूरा हो और लोग काफिर मुशरिक मुर्तदिया बिनती तुमसे ना उम्मीद ना हो ये तो कुरान के खिलाफ है। कुरान कहता है जब मेरे मोहम्मद की तस्दीक होगी फिर काफिर ना उम्मीद हो जाएगा, काफिर क्या हो जाएगा, और जब तुम अल्लाह पे उम्मीद रखोगे तो मुशरिक ना उम्मीद हो जाएगा। बड़ा जोर बताएगा दरबारों के ऊपर ले जाने के लिए, कब्रों के ऊपर ले जाने के लिए, जादे चढ़ाने के लिए, हत्ता के कहेगा हमारे मीनार के जलसे में शामिल हो जाओ, एक ही दिन का तो जुलूस है बादशाह, कौन सी अच्छी क्यामत
ہو پڑے گی اگر آپ نے اس کا ساتھ دے دیا تو معلوم ہوا آپ نے تصدیق محمد نے کی, اور اگر آپ نے محمد کی تصدیق کی تو پھر وہ آپ سے مقبول جائے گا, وہ آپ سے ناؤمید ہو جائے گا. یا تو مشرک کی امیدیں پوری ہوگی یا پھر موحد کی امیدیں پوری ہوگی. موحد کی امید ہوتی ہے تو اللہ پر, مشرک کی امید ہوتی ہے قبر پر, توحید کی امید ہوتی ہے اللہ پر, مشرک کی امید ہوتی ہے چھڑیوں پر, موحد کی امیدیں ہوتی ہے اللہ کے ساتھ, مشرک کی امید کبھی ایک پیر کے ساتھ کبھی دوسرے کے ساتھ, کبھی ایک دربار کے ساتھ کبھی دوسرے دربار کے ساتھ. جتنے رنگوں کے جھنڈے ہوتے ہیں اتنے رنگوں کے پیر اور قبروں قبریں اور اتنے دربار ہوتے ہیں, وہ کسی دربار کو بھی نہیں چھوڑتا. اللہ فرماتے ہیں وہ تجھے بھی یہ جانتا ہے کہ تو بھی چھوڑ کر اس کی عبادت کر, ادھر امیدیں اپنی لگا. جب موحد انسان توحیدی ہو گئے مسلمان ایک اللہ کے ساتھ امید لگاتا ہے, پھر مشرک اور کافر نا امید ہو جاتا ہے. جب نا امید ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی سنگت ہی نہیں نبھاتا, وہ چھوڑ دیتا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ انہیں توحید اور تصدیق محمد کے اندر مشرک کو نہیں چھوڑا ہے, مشرک نے پیروں کی محبت کے اندر تجھے چھوڑ دیا. پھر معلوم یہ ہوا تیری محبت سے اس کی محبت زیادہ سچی. اللہ فرماتا ہے جو ہے پورا ہوتا ہو پتا, اور جو مشرک ہوتے ہیں وہ ان لوگوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں اپنے پیروں سے اپنی سرکاروں سے درباروں سے کہو پتا جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. جس محبت کا حق اللہ کا ہے مشرک غیر اللہ سے کرتا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا, اور جن لوگوں نے میرے محمد کی تصدیق کی ہے اشد محبت اللہ, وہ اللہ کی محبت کے اندر سخت ہوتے ہیں. معلوم ہو جو اللہ کی محبت میں سخت نہیں ہے اس میں تصدیق محمد ہے نہیں. اور جس نے محمد کی تصدیق نہیں کی ہے پھر اس نے کون سا ایمان ہے, پھر اس کا کون سا مذہب ہے؟ اللہ ہو اکبر. اللہ فرماتی ہے اللہ, اور کسی کو
ऊपर खैर अल्लाह का नाम बोल दिया जाए, जिसको ये कहा जाए वो माँ के नाम की जानी है, फला के नाम की पानी है, फला के नाम का गुंडा है, फला के नाम की रेडिया है, फला के नाम के छोले है, फला के नाम का ये संडा है, ये बकरा है, छकरा है, ये हड्डा कट्टा फला दरबार के नाम का है। अल्लाह फरमाती है जिसके ऊपर ये डर अल्लाह के नाम पे बोल दिया जाए, ये मोमिन मुसलमान तो सत्य के पैगंबर के ऊपर हराम है, जो मेरे मोहम्मद की नजदीक करने वाला है वो कभी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगर वो खाता है तो नजदीक मोहम्मद नहीं करता, अगर वो नजदीक मोहम्मद का दावा करता है फिर इन चीजों को वो कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। वो कहता है मेरा ईमान तो मुझे ये कहता है जिसको अल्लाह ने खप्पे के साथ हराम कर दिया है, अगर मैं इसको खाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ मेरा अल्लाह मुझसे नाराज होता है। मेरे अल्लाह ने शादी की लगाई है, तुमने मेरे मोहब्बत की तस्दीक करके आना है और मेरे कलमे के अंदर अल्लाह के साथ वादा किया है। अल्लाह के पैगंबर को मेरा पैगंबर आप फरमा दीजिए,
उनकी किताब है तस्केरतुल अबरार वल अशरार,
वो अपनी किताब के सफा 262 पे लिखती है, जो बंदा गैरुल्लाह के नाम पे जबा करता है, जो बंदा गैरुल्लाह के नाम पे जबा करता है, फज़ाब मुशरिकों, ये जबा करने वाला मुशरिक होता है। जबा करने वाला कौन होता है? मुशरिक होता है। वल मज़बूहा तो मैतुन, और उसका मज़बूहा मुर्दार होता है। सिर्फ वही मज़बूहा नहीं जो उसने कब्र में किया या गैरुल्लाह के तकर्रुब के लिए किया, बल्कि मुशरिक होने के बाद जो भी वो दबा करेगा वो सारा मुर्दार हराम है। और जो मुसलमान इस मुर्दार को मुर्दार नहीं समझता है, अल्लाह फरमाती है उलमा हुर्रे बता रही कुमल मैदा तो हुर्रे बता रही कुमल मैदा ना, मैं अल्लाह ने मुर्दार को तुम्हारे ऊपर हराम किया है, लिहाजा मुशरिक जिसे दबा करे वो मुर्दार होता है। वो क्या होता है? मुर्दार होता है। पीर बाबा की बड़े कमाल की बात और भी लिखी है, वो क्या लिखते हैं? अल मज़बूहा तो मैतुन व मरअतुहु काइना, उसका मज़बूहा मुर्दार होता है और उसकी बीवी तलाक होती है। बीवी क्या होती है? तलाक होती है। जो गैरुल्लाह के नाम में ज़बह कर दे तकर्रुब हासिल करने के लिए, पीर बाबा मुझसे राजी हो जाए, कब्र वाला बाबा मुझसे राजी हो जाए, बहुत पाक मुझसे राजी हो जाए, शेख अब्दुल कादर गिलानी मुझसे राजी हो जाए, वो अली हजवेरी मुझसे राजी हो जाए, बाबा गरीब नवाज मुझसे राजी हो जाए, बली इमाम मुझसे राजी हो जाए, शकर शाह वाला फला मुझसे राजी हो जाए, अटक वाला बाबा मुझसे राजी हो जाए, कामा वाली सरकार मुझसे राजी हो जाए, होगा कबर सरकार मुझसे राजी हो जाए, महबूब शाह सरकार मुझसे राजी हो जाए, दो लक्षा सरकार मुझसे राजी हो जाए, पैरों सरकार मुझसे राजी हो जाए, चंदे शाह सरकार मुझसे राजी हो जाए, छोरों वाली सरकार मुझसे राजी हो जाए, आबद शाह सरकार मुझसे राजी हो जाए। जितनी भी सरकारों की राजी होने के लिए जो बंदा उनके तकल्लुफ के लिए दबा करता है, पीर बाबा का फतवा है, मेरा फतवा नहीं है, मैं फतवे की तस्दीक जरूर करता हूँ, लेकिन फतवा देने वाला मुफ्ती पीर बाबा है। वो कहते हैं फज़ाब हो मुशरिक, दबा करने वाला मुशरिक होता है, वल मज़बूहा तो मैदा तो दबा होने वाली नींद मुर्दार होती है, वम रअतुहु काइना, उसकी बीवी तलाक हो जाती है। ओ ईमान वालों, जो तस्दीक मोहम्मद का जज्बा रखने हो, जो मोहम्मद की तस्दीक करने वाले हो, मुशरिक का दबा किया हुआ हराम होता है, मुर्दार होता है। लिहाजा जब ऐसी बात आए तो फिर ये ना कहा करो जी कोई बात नहीं, अहले किताब है। क्या है? अहले किताब है, कोई बात नहीं। अच्छा वो अहले किताब है, फिर तुम क्या हो? वो इसी किताब को मान के क्या है? वो ये जो मुशरिक है इसी किताब को मानते हैं ना। आज की दौर के जो मुशरिक है, कबर परस्त है, कबर जाते हैं, इसी कुरान को मानते हैं या नहीं? दावत इसी कुरान, इस कुरान को मान के वो अहले किताब है, तो फिर हम क्या है? हम भी तो इसी कुरान को मानते हैं। गोया मतलब ये है, वो भी अहले किताब है, हम भी अहले किताब है। पता नहीं इनको अकल कहां चली गई। कुरान ने मुशरिकों को अलग जिक्र किया है, अहले किताब को अलग जिक्र किया है। लम यकुन الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين, अगर मुशरिक और अहले किताब एक होते तो कुरान एक ही इस्तेलाह में जिक्र करता, मुशरिक अलग है, अहले किताब अलग। अल्लाहु अकबर। अल्लाह करे, फरमाती है अल यौम यसल الذين كفروا, आज के दिन काफिर तुमसे ना उम्मीद हो जाएंगे, काफिर तुमसे मोहब्बत नहीं करेंगे, वो कभी तुम्हें नहीं जाएंगे। यसल الذين كفروا من دينكم, आज के दिन वो तुम
مسلمانوں کو کہہ دیجئے جو تصدیق محمد کرنے والے ہیں ان کو میں اللہ کہتا ہوں فلا تخشوا تم ان سے نہ ڈرو بخشونی میں اللہ ہی سے ڈرو کیوں اگر مشرک بھائی کار کرو گے تمہارے گھر میں بھوک نہیں آئے گی کیونکہ رزق دینے والا کون تمہارے اوپر سختیاں نہیں آئے گی اگر آئے گی تو پھر بھی بے اللہ آسائشوں میں تبدیل کر لو گا کیونکہ دکھ اور سکھ لے آنے والا کون جنت اتنی آسانی سے نہیں ملتی اللہ اکبر
اللہ کرے فرماتے ہیں فلا تخشوهم واخشوهم ان سے مت ڈرنا واخشوني صرف مجھ سے ڈرنا صرف خوف پیدا ہونا چاہیے تمہارے دلوں میں تمہاری سختیاں اور آسانیاں یہ رد و بدل تبدلات و تغیرات لانے والا کون فرماتے ہیں حبیدت آمالو
अबे तक मैं तेरा अमल तेरा तोहफा में अल्लाह कबूल नहीं करता। याद रखिए कोई भी तकदीर हो या तहमीद हो, तकदीर हो या तहमीद हो, हमद हो या तकदीर हो या सना हो, ये अल्लाह के दरबार में तोहफा बन के जाता है। ये अल्लाह के दरबार में वो जैसे हम कहते हैं ना अत्तहियातो लिल्लाहि, तमाम जुबानी इबादतें अल्लाह के लिए, और तहिया तोहफा होता है। तहिया क्या होता है? जैसे कुरान कहता है तहिया को हम सलाम, जन्नत में जन्नियों का एक दूसरे के लिए तोहफा सलाम होगा। तोहफा क्या होगा? सलाम होगा। अत्तहिया तो बिल्ला, तो ये तहिया तोहफा से है, और इसको तहिया का माना तोहफा होता है। जब हम कहते हैं तहिया तो बिल्ला, तो इसका मतलब ये होता है कि तमाम तोहफे अल्लाह के लिए, तमाम तोहफे अल्लाह के लिए है। और जब मोमिन मुसलमान की जुबान से अल्लाह अकबर निकलता है तो ये अल्लाह के दरबार में तोहफा बन के जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है, अल्लाह के दरबार में तोहफा बन के जाता है। तो जब मोमिन होता है तो अल्लाह कहते हैं इसका तोहफा कबूल है, इसका तोहफा। और अगर वो मुशरिक है, अगर वो बिदअती है, अल्लाह फरमाते हैं हमें तो आमान हो, रद कर दिया गया है तेरा तोहफा, में अल्लाह ने कबूल नहीं किया। जब सिरे से उसका तोहफा कबूल ही नहीं हुआ, उसकी तकबीर कबूल ही नहीं हुई, जानवर हलाल कहां से होगा? जब जानवर हलाल नहीं हुआ तो तस्दीक मोहम्मद करने वाले के लिए खाना जायज भी नहीं है, है। इसलिए जैसे मुशरिक के पीछे नमाज नहीं है, मुशरिक की इत्तेदा के अंदर नमाज नहीं है, उसकी इमामत में नमाज पढ़ना नहीं है, इसी तरह उसकी दवा खाना भी जायज नहीं है। मुशरिक की दबिया हराम है, इत्तेफाक हराम है, बिल्कुल इससे सब्जी खाई हुई अच्छी है, इससे दुनिया के चावल दूसरी दीजे दाने खाई हुई अच्छी है, मुशरिक की दवा खानी जायज नहीं है। और ये क्या कहते हैं जी, खा लिया है, हर किसी को मुशरिक न समझना, खा लेनी चाहिए, उसने जहर रख के खा लेनी चाहिए, अच्छा गोमा उसके ऊपर रख के खा लो, यहां पेट में हराम पड़ा हो, और फिर कहते अल्लाह हो अल्लाह। ये हबे तक का इतना बुरा असर है, हबे तक का इतना बुरा असर है। याद रखिए दो लफ्ज होते हैं, एक जब्त होता है एक, और एक हब तो होता है। पुलिस जब पकड़ती है तो दो काम करती है, पुलिस वाले हजरात मस्जिद में मौजूद है, पुलिस जब किसी को पकड़ती है तो दो काम करती है, एक कहती है फलां के कब्जे से असलहा जब्त हो गया, बरामद हुआ, पुलिस ने असला राशन कलाशनकोव या पिस्टल या फलां फलां जब्त कर दिया। और एक होता है हीरोइन चरस अफ्यून वगैरह वगैरह, इसको जब पुलिस लेती है तो फिर इसको आग लगाती है। क्यों हजरत? इसको क्या करती है पुलिस? आग लगाती है। आग लगाने को कहते हैं हाफ्त, आग लगाने को क्या कहते हैं? हाफ्त। और लेके मालखाने के अंदर रखने को कहते हैं जब्त। अल्लाह फरमाते हैं मुशरिक का अमल जब्त नहीं किया, हाफ्त में अल्लाह ने जायज कर, आग लगती है मुशरिक के अमल को। जब उसने अल्लाह हू अकबर भी कहा है, अल्लाह फरमाते हैं जाया हो गया। अबू जहल 70 हज किया, अबू जहल कितने? 70 हज। हर हज में अबू जहल ने कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हमदा वल मुल्क वन निमत लक ला शरीक लक लब्बैक। ये जुमले अबू जहल ने बोले, बोले के ना बोले, बोले ये अबू जहल ने बोले, बोलता रहा बोलता रहा बोलता रहा, कहता रहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह में हाजिर हूं हाजिर हूं, ला शरीक लक लब्बैक। अपनी जुबान से कहता है अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं है, लेकिन अमल से उधर शरीक भी बना रहा है, ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हमदा वल मुल्क वन निमत लक, इन्नल हमदा वन निमत लक वल मुल्क, अल्लाह तमाम तारीफ
तक आमालो अबू जान तक कोई अमल में अल्लाह के दरबार में नहीं आया। अल्लाह क्यों नहीं आया? अल्लाह तेरी कोई जाती अख्तलाफ कोई जाती दुश्मनी अबू जान से है? अल्लाह फरमाते हैं नहीं नहीं, अबू जान ने मेरे मोहम्मद की तस्दीक नहीं की है, अबू जान ने मेरे मोहम्मद की बात नहीं मानी है। मेरे मोहम्मद की तस्दीक न करने की वजह से, मेरे मोहम्मद की तकजीब करने की वजह से क्या कहता है? अल्लाह اگر اللہ مشرکوں کے عمل ایسے ہی معاف کر دیتا تو پھر ابو جہل محمد کا چاچا تھا، آج کے مشرکوں سے زیادہ طاقتور تھا، اس کا رشتہ بھی زیادہ تھا محمد پاک سے۔ اگر آج والے اپنے پیروں کی وجہ سے، سرکاروں کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم معاف ہوں گے، تو پھر ابو جہل تو بطریقِ اولا معاف ہوگا، کیونکہ وہ محمد کا چاچا ہے۔ وہ چاچا کس کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، ادھر دوسرا بھی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں سارے رشتے بھی وہ جگاتا رہا، سارے رشتے زندہ کرتا رہا، اپنی دونی قریب کو بھی آزاد کیا۔ تو نے محمد کے پیدا ہونے کی خوشی سے مجھے خبر خوشی کی سنائی ہے، جا تو آزاد ہے۔ اپنی انگلی کا اشارہ کر کے اس نے اس نوکرانی کو، قریب کو، فاطمہ کو، نوکرانی کو اس نے آزاد کر دیا۔ جب آزاد کیا ہے، ہمارے آج کے دور کے مشرکوں کے مطابق تو معاف ہونا چاہیے، ہونا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن اللہ فرماتی ہے نہیں نہیں، اس نے میرے محمد کی تصدیق نہیں کی ہے، اور میں اللہ کامیابی کے کوڑے تو ان لوگوں کو دیتا ہوں جو میرے محمد کی تصدیق کرنے والے ہیں، اور اس نے میرے محمد کی تکذیب کی۔ اس نے محمد پاک کی تکذیب کی ہے، تصدیق نہیں کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے جب فرمایا لا یعنی جو پیغمبر
صاحب قرآن جو اس قرآن کا عامل پیغمبر ہے, اتنی بڑی عظیم کتاب جس کو اللہ نے دی ہے اس کو یہ کہتے ہیں جھڑیوں میں کھوئی ہو گئے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں. اور اگر اس علاقے میں بیان کریں آپ قرآن و سنت, تو ہی و سنت بیان کریں تو کہتے ہیں جی نہیں آنے دینا, پابندی لگا دو, تقریر ہونی نہیں چاہیے. اللہ جانتا ہے یہاں پہ تو وہ معاملات نہیں ہے اتنے, لیکن پنجاب میں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اللہ جانتا ہے. ہاں, اور یہ چاہتے بھی یہی ہیں کہ لوگوں کو قرآن والی عینک نہ لگ جائے, اور اشاعت و توحید والے بھی جدھر جاتے ہیں کہ قرآن کی عینک لگاتے ہیں لوگ. کیا لگاتے ہیں؟ قرآن والی عینک. ایک علاقے میں ایک عورت تھی نا, بالکل سیاہ کالی, سیاہ کالی, اور نام تھا اس کا نور بھائی. نام اس کا کیا تھا؟ نور بھری. اور اسی علاقے میں ایک حافظ صاحب تھے نابینا. حافظ صاحب کو دیتا کوئی نہیں تھا اور نور بھری کو لیتا کوئی نہیں تھا. علاقے والوں نے کیا کیا, اس نور بھری کا اور حافظ صاحب کا آپس میں نکاح کر دیا, شادی کر دی. اب حافظ صاحب ہوئے نابینا, تو وہ نور بھری جب بھی وقت لگتا تو کہتی حافظ صاحب آپ ہوئے جو نابینا, تیری جو اکھا کوئی نہ ہوئی, اگر تیری آنکھیں ہوتی نا تو تو میری پنکھڑی کی طرح ہونٹ دیکھتا, گلابی گال دیکھتا, چشم خزانہ میری آنکھیں دیکھتا, تجھے پتا چلتا. اور حافظ صاحب اندر ہی اندر کڑتے رہتے, کاش کہ اگر آنکھیں ہوتی تو میں اس کو دیکھتا. وہ اتنی تعریفیں جو اپنی کرتا, اچانک پتا چلا کہ علاقے میں اشتہار لگ گیا, ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں جناب, عینک لگاتے ہیں, بندہ دیکھنے لگ جاتا. حافظ صاحب کو بڑی خوشی ہوئی, دوڑ کے گئے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا. ڈاکٹر صاحب نے کہا 1000 روپے دوں گا, این کے لگاؤں گا, آپ دیکھنے لگو. حافظ کی پرچی لے کر اچھلتے کودتے گھر کو آئے اور نور بھری کو کہا, نور بھری تیری حسرتیں زندہ ہونے لگی, تیری حسرتیں پوری ہونے لگی ہیں. ڈاکٹر صاحب آئے ہیں, آنکھیں لگا رہے ہیں, میں دیکھوں گا بھی جو آپ کہہ رہی تھی چشم غزالہ آنکھیں, وہ جو فلاں فلاں تو نے کہا تھا. جو ہی حافظ نے یہ بات کہی نور بھری کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ حافظ جی مگر عینک لگ گئی تو یہ تو میرا راز کھل جائے گا, نہ میری پکڑی جیسے ہونٹ ہے, نہ وہ گال ہے, نہ وہ چشم غزالہ آنکھیں ہیں, میں تو توے کی طرح کالی ہوں, یہ تو معاملات الٹ ہو جائیں گے. ادھر سے ہی نکلی سیدھی ڈاکٹر کے پاس, یہ 2000 روپے. ڈاکٹر صاحب نے کہا جی 2 آپریشن کرنے ہیں؟ کہ جی نہیں, 2 نہیں کرنے, یہ فلاں نام کا حافظ آئے نا, اس کی نظر ٹھیک نہیں کرنی ہے, اس کی آنکھیں نہیں بنانی ہے, عینک نہیں لگانی اس کو. کیوں؟ عینک لگ گئی تو میرا راز فاش ہو جائے گا. تو یہ الحمدللہ اشاعت و توحید والے جہاں جاتے ہیں لوگوں کو عینک لگاتے ہیں, اور یہ جو نور بھریا ہے نا جو پھر رہی ہیں نور بھریا, یہ کہتے ہیں عینک نہ لگے, عینک نہ لگے. اور ہم کہتے ہیں قرآن والی عینک لگنی چاہیے, قرآن والی عینک لگنی چاہیے, کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے هذه سبيل أدعو إلى الله قل هذه Yeah.
फरमा दीजिए मेरे पैगंबर ये कुरान मेरा रास्ता है हाजी सबीली मैं अल्लाह की तरफ बुलाने वाला हूँ अल्लाह बसीरत इस कुरान वाली बसीरत के साथ इस कुरान वाली ऐना के साथ इस कुरान वाली नजर के साथ इस कुरान वाली समझ के साथ इस कुरान वाली सोच के साथ इस कुरान वाली फिक्र के साथ इस कुरान वाले फिक्र के साथ अल्लाह बसीरत अल्लाह की तौफीक अता फरमाए। आखिर दुआ करते हैं।